हेलो नेव्स फैम, और आ गई हूँ मैं दूसरा फ्राइडे की रेसिपी लेके, और ये है दाल पराठा बट विद अ ट्विस्ट। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, और इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो नथिंग टू वरी। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो बची हुई दाल है, ये मूंग और मसूर की मिक्स दाल बची हुई है, तो इसको हम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम में इसको हिलाते हुए इसका पानी रिड्यूस करेंगे। और बची हुई दाल पता है ना आपको, बार बार कौन खाता है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसका पानी रिड्यूस करेंगे पराठे बनाने के लिए। तो देखिए इसका पानी थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है, और इसे हिलाते रहें ताकि नीचे जलना शुरू ना हो जाए, तो ध्यान रखें। तो देखिए ये ऑलमोस्ट डन होने लगा है। और आप क्या कर रहे हो, जब तक सब्सक्राइब ही कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर लो ताकि आपको पता चले मेरे आगे आने वाले वीडियोस। जब आपकी दाल ऑलमोस्ट डन सी हो जाए, तो ये हम फ्रोजन मेथी ऑलरेडी कटी हुई ले रहे हैं, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने लिया है और इसको हम मिक्स करने वाले हैं इस दाल में। तो ये आप थोड़ा इसको हेल्दी भी बना सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ग्रीन्स भी लोग खा लेंगे इसी बहाने। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए दाल के साथ। तो जब ये हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आटा गूंथने वाले हैं। तो एक साथ सारा आटा आप ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते रहें और गूंथते रहें, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं मिलाने वाले हैं। आप पूरे प्रोसेस में देखेंगे कि कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाने वाले हैं, क्योंकि एकदम ये पतला ही ना हो जाए, तो थोड़ा हमें ध्यान रखते हुए आटा मिलाना है। तो बेसिकली ये आपको रोटी जैसा आटा बनाना है, सॉफ्ट सा। तो अच्छे से मिक्स करिए थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए, जैसे मैंने बताया, बना लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर लीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इन्हें कैसे पता चलेगा फिर ये वीडियोस का। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस आप तक लेके आने के लिए हैं, तो प्लीज़ शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अब बनाएंगे पराठे। पराठों का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे हमने पहला वाला बनाया है स्क्वायर पराठा, आपको जो शेप पसंद हो आप उसे वैसे रोल कर सकते हैं। तो जस्ट नॉर्मल पराठा, जैसे दोनों तरफ तेल लगा के बनाते हैं वैसा आप बनाइए। तो देखिए अच्छे से दोनों तरफ दबा दबा के, तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, बाद में ऊपर बटर भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से क्रिस्पी सा पराठा बन जाएगा। और आप सोच रहे हैं इसमें ट्विस्ट क्या है, तो ट्विस्ट बस आने ही वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये बन गया आपका नॉर्मल दाल मेथी पराठा, एंजॉय करिए इसे कोई भी रायते के साथ या जैसा आपकी मर्जी। तो आ गया है ट्विस्ट का टाइम। तो ये ट्विस्ट है स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप उन्हें कोई भी ग्रीन सब्जी, मतलब जैसे इसमें हमने मेथी डाली है, तो खिलाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक नॉर्मल सा आप पराठा बना लीजिए जैसा कि यहाँ पे बन रहा है। तो अब इसमें ट्विस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे कि ये रहा चीज, तो एक तरफ हम इसके चीज लगाएंगे, पूरे में चीज नहीं फैलाना है, तो एक तरफ जैसे ये ग्रेटेड चीज है ये लगा दिया हमने। अभी देखिए इसमें लाल और पीली शिमला मिर्च, कैप्सिकम, बेल पेपर, जो भी आप बोलते हो, और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज इसमें हम डाल देंगे। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं पराठा पिज़्ज़ा भी बोल दीजिए, आप जो मर्जी बोल दीजिए,
तो ये हमने डाल दिया है, अब हम इसे करेंगे फोल्ड। सो ये हाफ फोल्ड हो जाएगा और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सेक लें जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो ये आपका रेडी हो गया है ट्विस्ट चीज़ पराठा, चीज़ दाल पराठा, आप जो भी बोलें। तो मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और फॉलो करें मुझे सोशल मीडिया पे। अब तो मेरे डॉली का भी इंस्टाग्राम खुल गया है, तो उसे भी प्लीज़ फॉलो कर लें। तो मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, जब तक बाय।